लास्ट पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज, क्या बचा था हमारा? करेंट एसेट्स। तो एसेट्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में सिक्स सब हेड्स हैं, करेंट एसेट्स में सिक्स सब हेड्स हैं। करेंट इन्वेस्टमेंट्स, करेंट इन्वेस्टमेंट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स में क्या फर्क होता है? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट मेंट फॉर रीसेल, दे आर हेल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। एक साल से ज्यादा के लिए आप पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल इमिजिएटली विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, करेंट इन्वेस्टमेंट्स। तो करेंट इन्वेस्टमेंट्स का दूसरा नाम, करेंट इन्वेस्टमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कैश फ्लो में भी काम आएगा, रेशियोज में भी काम आएगा। बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमारा जितना ढंग से होगा ना, पूरी एनालिसिस में काम आएगा, इसीलिए इतना टाइम इन्वेस्ट करा जा रहा है इस फॉर्मेट पे। करेंट इन्वेस्टमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। करेंट इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज जिस चीज में आप डील करते हैं उसका फिनिश्ड गुड्स हो सकते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर जो बच गया स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल्स का स्टॉक हो सकता है, आइटम्स में तो अभी आएंगे, बट इन्वेंट्री आपका स्टॉक है। ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज ट्रेड रिसीवेबल्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो इसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ट्रेजरी बिल्स, ये सब आएगा अभी देखेंगे। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, आपने किसी को लोन दे रखा है फॉर अ पीरियड लेस देन 1 ईयर, आपने किसी को लोन दे रखा है फॉर अ पीरियड लेस देन 1 ईयर, आपने कहीं कोई एडवांस दे रखा है जिसका बेनिफिट एक साल के अंदर आ जाएगा या पैसे आ जाएंगे एक साल के अंदर अंदर। अदर करेंट एसेट्स, आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं इसमें, मतलब जो कोई भी करेंट एसेट ऊपर किसी में नहीं आया वो अदर करेंट एसेट्स में आ जाएगा। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अभी आपको बताया, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और एडवांस टैक्स। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं अदर करेंट एसेट्स के जो आपको अभी पता होने चाहिए। अभी आइटम्स हम एक एक करके आराम से डिटेल में करेंगे। करेंट एसेट्स में क्या क्या आता है? सबसे पहले ऑर्डर याद होना चाहिए, ऑर्डर में आपके पास ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले करेंट इन्वेस्टमेंट्स, फिर इन्वेंट्रीज, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और लास्ट में अदर करेंट एसेट्स। एक एक करके हम इसको आइटम्स एक बारी डिस्कस कर लेते हैं कि ये तो थे सब हेड्स, इनके अंडर क्या आता है एक बारी अंडरस्टैंड करना चाहिए। करेंट एसेट्स, एक सेकेंड, ओके। तो एक एक करके हम करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स का मतलब, करंट इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आर हेल्ड टू बी सोल्ड, टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड, विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने इन्वेस्टमेंट करी ही एक साल से कम के लिए, तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, सारी इन्वेस्टमेंट सेम है, नॉन करेंट और करेंट में सारे सेम एग्जाम्पल है, बस एक एग्जाम्पल अलग था जो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में है, करेंट में नहीं है, क्या? इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। बाकी सारे तो सेम है पूरे के पूरे, अभी कंपेयर कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, अदर पार्टनरशिप फर्म्स, अदर इन्वेस्टमेंट्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट बट फॉर अ पीरियड लेस देन 12 मंथ्स। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में क्या था? एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम, बस एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट थी, क्या? इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। ये देखो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, बाकी सारी सेम है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, पार्टनरशिप, अदर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, बस ये एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाएगा, वो नॉन करेंट में ही आएगा। बाकी सारे करेंट भी हो सकते हैं, नॉन करेंट भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पीरियड जितने के लिए आपने पैसा इन्वेस्ट करा है।
Second, subhead current assets, very, very important. Very, very important. Inventories. अब इन्वेंट्री के अंडर क्या क्या आता है, ध्यान से देखना. रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री किस चीज की हो सकती है? रॉ मटेरियल, आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, रॉ मटेरियल. वर्क इन प्रोग्रेस, एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स में आता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है एक एसेट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस लिखा हो तो ये आपके क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? सेमी फिनिश्ड गुड्स. क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है ये आपका? सेमी फिनिश्ड गुड्स. फिनिश्ड गुड्स वो भी आपकी है इन्वेंट्री की, जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, कुछ सामान बन गया है बट अभी बिका नहीं है. स्टॉक एंड ट्रेड, आपने कोई सामान खरीदा बेचने के लिए, पीरियड एंड हो गया, अभी बिका नहीं है. फिनिश्ड गुड्स और इसमें क्या फर्क होता है? फिनिश्ड गुड्स जो आपने खुद मैन्युफैक्चर करे हैं और बच गए वो फिनिश्ड गुड्स होते हैं. स्टॉक एंड ट्रेड होता है जो आपने सामान खरीदा और बिका नहीं, आपके पास पड़ा हुआ है, दोनों ही रेडी टू बी सोल्ड है. स्टोर्स एंड स्पेयर्स, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम कुछ आपके पास छोटे मोटे स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए हैं, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, छोटे छोटे, फिक्स्ड एसेट्स वाले नहीं, छोटे. लूज टूल्स, तो स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स, ये सब किसका पार्ट माने जाते हैं? इन्वेंट्री का. इन्वेंट्री का आइटम इंपॉर्टेंट है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक एंड ट्रेड, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स. आइटम्स के लिए कोई ऑर्डर याद करने की जरूरत नहीं होती, बस ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे प्लेस करने हैं. मेजर हेड करंट एसेट्स, सब हेड इन्वेंट्रीज. तो नंबर वन करंट एसेट में हमने करा करंट इन्वेस्टमेंट्स, फिर इन्वेंट्रीज. नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल्स. ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज ट्रेड रिसीवेबल्स. इसमें आपको और कुछ भी जरूरत नहीं है पता होने की. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की वही सेम ट्रीटमेंट होती है. क्या डेटर्स में से माइनस करके दिखा दो या बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में दिखा दो, उससे फर्क नहीं पड़ता. प्रोविजन तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस की वजह से क्रिएट किया है, दैट इज नॉट एन एडजस्टमेंट हियर. उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है. ट्रेड रिसीवेबल्स के कॉम्पोनेंट्स क्या हैं? डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल. नेक्स्ट, तो बताना कि प्रोविजन को दिखाने के दो तरीके होते हैं, जो ये फर्स्ट अप्रोच सेकंड अप्रोच है. एक की डेटर्स में से माइनस करके दिखा दो, दूसरा आप बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में दिखा दो. एक ही बात है, बेटर प्रेजेंटेशन होती है डेटर्स में से एज अ डिडक्शन शो करना. नेक्स्ट आइटम करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आगे जाके रेशियो एनालिसिस में और कैश फ्लो स्टेटमेंट में काम आएगा ये, ध्यान से देखना.